नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 21 जनवरी गुरुवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। दिल्ली के कालाकाजी स्थित अंजलि ज्वेलर से बुधवार को हुई करोड़ों रुपए के गहने चोरी मामले में पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी मोहम्मद शेख नूर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को आरोपी के पास से 13 करोड़ की कीमत के 25 किलो सोने के गहने बरामद हुए हैं। शेख नूर ने ही पीपी किट पहनकर शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी दूसरी इमारत की छत से घुसा था। शोरूम के आगे पीछे 5 हथियारबंद गार्ड तैनात थे, फिर भी किसी को भनक नहीं लगी। सोने के गहने की चोरी के बाद वह बैग को ऑटो से ले गया था। भीलवाड़ा शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र से पिछले दिनों अपहरण की गई 10 साल की बालिका को प्रतापनगर पुलिस ने रेलवे सुरक्षा बल के समन्वय से यूपी के एक स्टेशन से मुक्त करवा लिया। अपहरण के आरोप में अरोकिया टोनी निवासी तेलंग तमिलनाडु और रवि सिंह चौहान निवासी मंगरोप को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी बालिका को नेपाल ले जाकर उसे बेचने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस की सक्रियता से उन्हें उत्तर प्रदेश व बिहार सीमा से दबोच बालिका को मुक्त करवा दिया। प्रतापनगर थाना पुलिस बालिका को भीलवाड़ा ले आई। रवि सिंह अरोकिया के क्षेत्र में ही चाय की दुकान चलाता है। गुजरात के गांधीधाम से 65 लाख रुपए की फिरौती के लिए अगवा कर लाए गए व्यापारी को बदमाश सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ बाईपास पर गाड़ी से उतारकर फरार हो गए। व्यापारी ने पास ही चाय की थड़ी वाले से फोन मांगकर परिजनों को फोन किया। पुलिस ने बताया कि गांधीधाम गुजरात से व्यापारी मुकेश का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था। मुकेश के फोन की लोकेशन सीकर में आने की वजह से गुजरात पुलिस मुकेश के परिजनों को साथ लेकर आई हुई थी। फिरौती की रकम को लेकर पुष्टि नहीं हुई है। विधानसभा का बजट सत्र 15 फरवरी से शुरू होने की संभावना है। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। राज्यपाल के अभिभाषण को जल्द ही मंत्रिमंडलीय कमेटी अंतिम रूप देगी। राज्यपाल के अभिभाषण के लिए सभी विभागों से 31 दिसंबर 2020 तक के अपडेट आंकड़े के लिए गए हैं। अब इन आंकड़ों के आधार पर विभागवार अभिभाषण के लिए बिंदु तय किए जा रहे हैं। साथ ही विभागों की ओर से बताई गई भावी योजनाओं को भी इस बजट भाषण में समायोजित किया जाएगा। कोरोना के चलते विधानसभा का यह बजट सत्र ज्यादा लंबा नहीं होगा। सिरोही जिले के आबूरोड पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 लाख की अवैध शराब पकड़ी है। स्पेशल टीम और सदर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करवली हाईवे पर एक ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली, तो ट्रक से 531 पेटियां शराब की बरामद हुई। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। उदयपुर जिले के टीडी थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने 2 युवकों को मौत के घाट उतार दिया। दोनों युवक रोड क्रॉस कर रहे थे, इसी दौरान अहमदाबाद से उदयपुर की ओर आ रही गाड़ी ने युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें युवक उछलकर दूर जा गिरे, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान हाजाराम और नरेश के रूप में हुई है। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर कार जब्त कर ली है। जयपुर शहर के 3 इलाकों में 3 सूने मकानों के ताले तोड़कर चोर लाखों रुपए के गहने व नकदी चोरी कर ले गए। इस संबंध में करधनी, झोटवाड़ा व रामनगरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने बताया कि गोकुलपुरा निवासी नितेश जोशी के घर से चोर लॉकर में रखे सोने चांदी के गहने व नकदी चोरी कर ले गए। नरसिंह नगर निवासी मोहम्मद शफीक के घर से अलमारी में रखे सोने चांदी के गहने व नकदी चोरी कर ले गए और रामनगरिया निवासी अंकित पुरोहित के घर से सोने चांदी के आभूषण व नकदी चोरी कर ले गए। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जोधपुर की देवनगर पुलिस ने नकबजनी के मामले में गैंग का खुलासा करते हुए शातिरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से महंगे मोबाइल सेट बरामद किए गए। हैरानी की बात यह है कि इनका मास्टरमाइंड एक बालक है, जिसके खिलाफ पूर्व में भी काफी प्रकरण सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही 3 और शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आखलिया स्थित दुकान में शातिरों ने सेंध लगाकर हजारों के मोबाइल हैंडसेट चोरी कर लिए थे। उदयपुर जिले के मावली थाना क्षेत्र में सुखवाड़ा रोड पर शराब की दुकान से अज्ञात चोर 5,66,000 रुपए की शराब चोरी कर ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि दुकान के संचालक ने बताया कि आगे वाले दरवाजे पर 4 ताले लगे थे। चोरों ने इनमें से 2 तोड़ दिए, लेकिन 2 ताले तोड़ नहीं पाए। इसके बाद वे मकान के पीछे वाले दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसे। चोरों ने दुकान से बियर, देशी शराब, ज्यादा कीमत की 50 बोतलों सहित विभिन्न किस्मों की शराब के पवे अदवे बोतलें चोरी कर ले गए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।
भीलवाड़ा जिले के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में अजमेर चौराहा के पास एक बैंक में रुपए जमा करवाने पहुंचे एक व्यक्ति को ठग ने झांसा देकर 1,40,000 रुपए उड़ा लिए। बदले में उसने आगे पीछे 2,000 के नोट लगी कागज की गट्टी थमा दी। व्यक्ति को ठगी का पता चला तो उसने थाना में अज्ञात ठग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने ठगी के शिकार व्यक्ति द्वारा दी गई रिपोर्ट की जानकारी के आधार पर उसकी तलाश शुरू कर दी है। रोडवेज बस से ट्रक खरीदने अजमेर आ रहे पाली के दो युवकों के साथ बयावर में जेब तराशी हो गई। बदमाश एक युवक की जेब से 1,00,000 रुपए का बंडल निकालकर बस से कूद गया। इस दौरान युवक ने शोर मचाया और बदमाश के पीछे भी दौड़ा, लेकिन तब तक शातिर और उसके साथी रफू चक्कर हो चुके थे। पीड़ित युवक मुकेश गुज्जर ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण से मामले की शिकायत की है। जेब तराशी करने वाला और उसके दो साथी सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं। पुलिस जेब कतरों की तलाश कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।